ऑल इंडिया मुस्लिम मेयो विकास परिषद का दारोमदार अलमास सलीम को सौंपा गया है। अलमास सलीम ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की मौजूदगी में ऑल इंडिया मुस्लिम मेयो विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर देश भर से आए मेवाती समाज के लोगों ने हाल फूल माला पहना कर अलमास सलीम का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि लंबे समय से इस पद पर अलमास के पिता कांग्रेस नेता स्व मोहम्मद सलीम नियुक्त थे, लेकिन कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ था। सभी समाजजनों की सहमति से अलमास सलीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दारोमदार सौंपा गया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हुए, फिर आगे ऑल इंडिया जोन सेक्रेटरी हुए, बाकी आज के इस प्रोग्राम में उस घर में आपके बीच में आया हूँ, सालों से रहा है। अरमान जी भी यही है, मुझे याद आ रहा है कि जिस मोहल्ले से, जिस पोस्ट से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, सियासी सफर शुरू हुआ था, उसी पोस्ट से सलीम भाई का भी सियासी सफर शुरू हुआ था। 1972 में मैं ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष शाहजहानाबाद का बना था, 1972, और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर स्टेट में गए, एग्जीक्यूटिव मेंबर सीधे आजकल जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे, फिर जनरल सेक्रेटरी हुए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम मेयो विकास परिषद जो है, मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद सलीम साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2020 में उनका इंतकाल हो गया कोविड से। उसके तीन साल तक जो है हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम मेयो विकास परिषद में हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इसका सारे कौम ने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, और मुझसे उम्मीद करते हैं सारे लोग कि मैं, जो उन्होंने जिस जिम्मेदारी से मुझे नवाजा है, मैं उसमें खरा उतरूं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि कौम की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी मैसेजेस हैं जो सरकार तक पहुंचने चाहिए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, उन तक पहुंचने चाहिए। अगर सरकार बनती है तो कौम की क्या डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन तक पहुंचाऊं। और मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद सलीम कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी थे और चीफ कोऑर्डिनेटर भी थे, तो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेफ कौम से जोड़ा है, मैं भी वही काम करूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मेयो विकास परिषद के जितने लोग हैं, जो कौम के हमेफ कौम के जितने भी लोग हैं, उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जोड़कर हम चुनाव में काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी दो डिमांड है, सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि एक तो जैसे अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी ने जैसे कि मेव बोर्ड का गठन किया राजस्थान सरकार के अंतर्गत, वैसी हमारी मांग रही कि माननीय कमलनाथ जी से हम दरख्वास्त करेंगे, उनसे एक डेलीगेशन लेके मिलेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि वो भी एक, जैसे कि मध्य प्रदेश को एक छोटी मेवात कहा जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुसंख्यक मेवाती रहते हैं, तो इसलिए एक मेवात बोर्ड का गठन यहाँ पर भी होना चाहिए और एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मेवात समाज को। दूसरी हमारी जो डिमांड और जो एक रिक्वेस्ट रहेगी माननीय कमलनाथ जी से, अगर वो सरकार में आते हैं, तो वो ये रहेगी कि एक मेव भवन की जगह जो है हमारी राजधानी भोपाल में भी दी जाए, ताकि कौम के लोग जुड़ सकें और जुड़ के लगातार काम कर सकें, और एक राजधानी से उनका जो है बराबर हर क्षेत्र का, हर जिला का, हर तालुका का जो है संपर्क बना रहे। देखिए, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मेरी पढ़ाई ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से हुई है, और मैं माननीय विवेक तन्खा जी, माननीय सिद्धार्थ लूथरा साहब से भी जुड़ा रहा हूँ, ये दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो यूथ है, जो युवा है मध्य प्रदेश का,
देश का, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद है, तो देश के युवाओं को, मुस्लिम कौम के लोगों को, मेव कौम के लोगों को एजुकेशन से जोड़ना और उसके माध्यम से फिर जो रोजगार उन्हें मिल सकती है उस माध्यम से जोड़ना, तो हम ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे और इन सारी चीज़ों को और विषय को लेकर हम माननीय कमलनाथ जी से जल्दी मुलाकात करेंगे और प्रदेश संगठन में हम जिस तरीके की भी जो जिम्मेदारी है मेव कौम के लोगों को दी जानी चाहिए इसके लिए भी हम माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करेंगे। अभी तो आज सारे लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है बहुत बड़ी, जैसा कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा जी ने कहा, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पचौरी जी ने कहा कि ये कांटो भरा ताज है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज का तो हमारा सिर्फ यही कार्यक्रम है कि आज पदभार ग्रहण करना था, इसके बाद हम सब लोगों को लेकर ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश लेवल पर, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में भी 2024 में चुनाव हैं, तो हम अखिल भारतीय कार्यकारिणी की भी स्थापना करेंगे, उसकी हम कमेटी बनाएंगे, कार्यकारिणी बनाएंगे और मध्य प्रदेश में भी कार्यकारिणी बनाने का हम कार्य करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।